Hi everyone, this is Bhargavi Prakash. Welcome to our channel, Mind Your Science. हम पढ़ रहे थे साथ में फिजिक्स में एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम. अब तक हमने तीन एप्लीकेशंस कर ली हैं. पहली थी ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग थिन चार्ज वायर. सेकंड हमने किया हॉलो स्फीयर के लिए और कल हमने किया था सॉलिड स्फीयर के लिए. क्या निकाला था हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी. आज भी हम क्या करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं. लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? चेंज हो गया है. आज का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है? थिन इनफिनाइट प्लेन शीट. शीट का मतलब क्या होता है? कोई भी शीट हो सकती है. शीट कैसी होती है? ऐसी बना सकते हैं. शीट तो शीट ही होती है. पेपर जैसा आपको कुछ भी है तो उसे हम शीट बोलते हैं. ठीक है. अब इस पे क्या है? चार्ज है. हमने केस किया था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में. काफी बार बता चुकी हूँ मैं पिछले लेक्चर में कि ये वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना. हमने ऐसा कुछ बनाया था. हमारे पास एक शीट थी जिसपे क्या था? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था. कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था. इस केस में क्या निकालते थे? सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते थे. किससे डिनोट करते थे? सिग्मा से. क्या आती थी? क्यू बाय ए आती. तो इस केस में हम ये वाला कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, इसलिए ये वाला कंसेप्ट समझना जरूरी है. मैंने आपको बताया हुआ है चार्ज दो तरह का था, एक कंटिन्यूस होता है और एक डिस्क्रीट होता है. तो ये वाला कौन सा केस है हमारा? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है. तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं. उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया. तो ये कंसेप्ट हमारा इसमें यूज होगा. तो ये हमारी शीट है. तो इस पे क्या है? चार्ज है. बन गया. अब हमें क्या करना होता है? जब भी हमारे पास चार्ज क्या है बाहर पड़ा होता है तो हम क्या करते हैं? गॉसियन सरफेस बनाते हैं. गॉसियन सरफेस बनाने से पहले ये समझना जरूरी है कि इसमें चार्ज बाहर कैसे पड़ा है. यार ये तो शीट है और इसके तो चार्ज अंदर पड़ा होगा. नहीं, इसपे क्या है? ये एक ऐसी शीट ऑफ पेपर है. ठीक है. इसके इस साइड पे भी चार्ज है और इस साइड पे भी चार्ज है और ये ऐसे पड़ी हुई है. समझ रहे हो? मतलब इस साइड पे भी चार्ज है और इस साइड पे भी चार्ज है और ये ऐसे रखी हुई है. हम क्या करते हैं? 3D में नहीं बना सकते हैं तो हम क्या करते हैं? इसी ऑब्जेक्ट को 2D में बनाने की कोशिश करते हैं. क्यों? ताकि हमें इजी हो हमारे डेरिवेशन को करने में. तो आपको इसे इमेजिन ऐसे करके रखना है. ठीक है. कि ये शीट कैसे पड़ी है? ऐसे पड़ी हुई है. ठीक है. समझ गए? इस साइड भी चार्ज है और इस साइड भी चार्ज है. सॉरी. तो इसका मतलब क्या हुआ? इस साइड का चार्ज कहाँ है? बाहर है. ये भी क्या है? बाहर है. यानी कि क्लोज बॉडी नहीं है. तो क्या करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी. अब इस शीट ऑफ पेपर के लिए गॉसियन सरफेस कैसे बना सकते हो? एक सिलेंडर बना सकते हैं हम लोग. सिलेंडर ने क्यों बनाया ये भी बता देती हूँ. यार अब देखो, अगर मेरे पास कोई शीट ऑफ चार्ज है तो अगर मैं ऐसा कुछ कर दूँ, समझ पा रहे हो? इमेजिन हो रहा है? मतलब इस साइड भी चार्ज था और इस साइड भी चार्ज था. तो सबसे सिंपल गॉसियन सरफेस जो सिर्फ इस एरिया में क्या कर रही है? चार्ज को एनक्लोज कर रही है. वो क्या बन रहा है? सिलेंडर बन रहा है. तो क्या होगा? ये वाला जो हमारा पार्ट है, मैंने थोड़ा 3D में बनाने की कोशिश की है, इसे थोड़ा इमेजिन करके समझना पड़ेगा. ठीक है. सिंपल लगेगा. मतलब ये मेरी शीट थी, ये ऐसे पड़ी हुई थी और मैंने इस साइड से भी सिलेंडर बना दिया और इस साइड से भी सिलेंडर बना दिया. ठीक है. मान लो ये डिस्टेंस भी मेरा आर है और ये वाला डिस्टेंस भी कितना है? आर है. तो हमें क्या करना है? गॉसियन सरफेस बना दी. क्या करते हैं? फ्लक्स निकालते हैं. तो इसमें क्या बन रही है? तीन सरफेस बन रही है. सिलेंडर के केस में हमेशा ही तीन सरफेसेस बनती हैं. ये हमारी पहली होती है, ये दूसरी और ये तीसरी. याद है ना? ये पहली कैप लगा दो तो इस तरफ दूसरी और ये वाली तीसरी कर्व सरफेस एरिया की. तो इस केस के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे और किसकी डायरेक्शन निकालेंगे? एरिया वेक्टर की. एरिया वेक्टर की तो आपको क्लियर ही है. ये मैंने अगर TS मान लिया तो एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा. यानी कि अगर ये मेरी सरफेस है तो एरिया वेक्टर
परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा और इस केस में भी क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। ठीक है, अब क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखनी है। क्या बोला था मैंने, ऐसे इमेजिन करोगे तो अगर इस साइड पे चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। तो यानी कि ई का डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड है। सिमिलरली इस साइड पे भी क्या है, चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी, मेरी तरफ, यानी कि रेडियली आउटवर्ड होगी। समझ पा रहे हो, इधर क्या था, चार्ज पड़ा था ना, तो ऐसे ही देख लो, तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज बनाया हुआ है यहाँ, तो ये कहाँ फेंकेगा, आउटवर्ड फेंकेगा। और सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी है, तो इसकी कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी, यानी कि इसकी इस साइड और इसकी इस साइड बनेगी। तो ये हमने बना ली दो सरफेसेस के लिए। तीसरी सरफेस हम यहाँ कंसिडर करते हैं डीएस। तो क्या होगा, एरिया वेक्टर तो काफी बार बता दिया क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। ये है हमारी वो वाली सरफेस, एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और आउटवर्ड होता है। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब क्या बना रहे हैं, ई वेक्टर की। अब देखो, ये तो शीट ऑफ पेपर एज इट इज ही पड़ी है, अब इसकी डायरेक्शन तो क्या है, रेडियली आउटवर्ड ही रहेगी, ऊपर नहीं जा सकती, ना नीचे जा सकती है, ना इधर जा सकती है, कहाँ होगी, इसी साइड होगी। तो हमारा ई वेक्टर कहाँ है, इस साइड बनेगा। समझाया कैसे, ये शीट हमारी कैसे पड़ी है, ऐसे पड़ी है बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने इस पे, मतलब अगर मैं बोलूं कि मैंने यहाँ पर एक एरिया कंसिडर किया हुआ है, तो फील्ड तो कहाँ होगी, आउटवर्ड ही होगी। तो हमने फील्ड क्या कर दी, आउटवर्ड बना दी। इस केस में थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। इस केस में भी थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कैसे होगा, समझ आ रहा है, यही मेरा ई है और ये मेरा एन कैप है, तो एंगल कुछ नहीं है, यानी कि 0 है। इस केस में भी सेम है। और इधर कितना होगा, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरा एरिया वेक्टर, एंगल कितना दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री। तो इस केस में थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। फिर क्या करते हैं, हम फ्लक्स निकालते हैं। तो फाइव एम निकाल लो, कितना आएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यही आएगा। क्या करेंगे, ई डी एस कॉस थीटा करेंगे। कॉस थीटा वन के केस में कितना है, 0 डिग्री है, तो कितना आ जाएगा, ई डी एस इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू ई डी एस इंटू में 1 इज इक्वल टू ई डी एस। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन साथ में चल रहा है। और क्या है हमारे पास, फाई टू भी निकाल लेंगे, वो भी क्या आएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर आएगा, ई टी एस कॉस थीटा। थीटा कितना है, फिर से 0 डिग्री है, 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये ई डी एस आ गया, ये भी ई डी एस है और ये भी ई डी एस है। और इस केस में क्या आएगा, फाई थ्री निकालेंगे, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ई टी एस कॉस थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो cos 90 लिखते डायरेक्ट, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। यानी कि इस केस में भी क्या है, फ्लक्स है, इस केस में भी फ्लक्स है, बट जो हमारा ये वाला एरिया है कर्व सरफेस वाला, इस केस में फ्लक्स कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो ये तीन हमारे पास आ गई, टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, कर चुके हैं हमें काफी बार, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है ये सब। ठीक है, क्या है, ईडीएस प्लस ईडीएस प्लस 0, ये वाला ईडीएस, ये वाला ईडीएस, और ये क्या है, 53, 0 है। अब क्या कर लेंगे, ई बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस प्लस ई बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, ई आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब क्या है, ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका क्या है, टोटल एरिया है, उसको ए लिख सकते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं, ये वाला जो मेरा पार्ट है, इसका एरिया वैसे तो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा, इस सर्किल का एरिया, और इस साइड अगर कैप लगा दो तो इस साइड पे क्या आएगा, ये वाला पाई आर स्क्वायर आएगा। बट हम क्या कर रहे हैं, इसे ए के टर्म में लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि मुझे फाइनली किसकी टर्म में आंसर निकालना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में आंसर निकालना होता है, वरना फिर आपको फिर यहाँ पाई आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और क्या हो जाएगा, लेंथ ही हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं। सिमिलरली ए इंटू ए आ जाएगा। क्या बताया मैंने, हम यहाँ पाई आर स्क्वायर ना लिख के डायरेक्ट ए क्यों लिख रहे
क्योंकि इसका एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया बन रहा है पाई आर स्क्वायर, इधर भी क्या आएगा पाई आर स्क्वायर ही आएगा। आप चाहो तो यहाँ ई इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन जब हमें यहाँ सब्स्टिट्यूशन करनी होगी तो फिर आपको ये यहाँ पर फिर से पुट करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, फिर दिखाना पड़ेगा कि सिग्मा क्या है, क्यू अपॉन में पाई आर स्क्वायर है, तो वो क्या हो रहा है लेंथ ही हो रहा है। बट हमें तो अपना काम क्या करना है, आसान करना है, तो ये क्या बन गया टू इंटू में ई ए बन गया। और क्या करेंगे गॉस थ्योरम लगा देंगे, लगा लेते हैं। अप्लाइंग गॉस थ्योरम क्या कहती है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर क्या होता है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, ये हमारा कितना है 2e, ये निकाला हमने टोटल फ्लक्स कितना है 2e निकाल चुके हैं, ये क्या बनेगा मेरा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बनेगा, इधर से ई निकाल ले तो क्या बनेगा क्यू अपॉन 2 इधर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट तो है ही और ए भी इधर चला जाएगा, सॉरी ए भी इधर चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्यू अपॉन ए है ये लिखा हुआ था मैंने, क्या बन गया सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑटोमेटिकली बन गया, तो E क्या आ जाएगा मेरा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए मैं कह रही थी कि यहाँ पर ए को ए ही लिख दो, पाई आर स्क्वायर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा ई सिंपली किसकी टर्म्स में आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में आ गया। फाइनल आंसर क्या निकल कर आया हमारा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आपने पहले की डेरिवेशंस ध्यान से समझी हो तो आपको इसमें एक डिफरेंस नजर आ रहा होगा, इस एक्सप्रेशन में कहीं भी क्या नहीं है आर नहीं है, हमने जो डेरिवेशन की है उनमें क्या आ रहा था ई इनवर्स की प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा था, और जो कल हमने की थी कौन सी वाली सॉलिड वाली, सॉलिड स्फीयर का जो हमने केस किया था उसमें क्या आ रहा था ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था आर के, और ये आ रहा था हॉलो के केस में। बट इस एक्सप्रेशन में कहीं भी क्या नहीं है आर नहीं है, यानी कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर पे डिपेंड नहीं करती। आर क्या है, इधर से इधर का डिस्टेंस सिलेंडर का और इधर से इधर का डिस्टेंस गॉसियन सरफेस का, यानी कि ऐसा कुछ था ये भी मेरा आर है और ये भी मेरा आर है, इधर वाला भी और इधर वाला भी दोनों आर है। तो इस केस में जो हमारा आर है वो कोई भी रोल प्ले नहीं करता इस केस में, इनफाइनाइटली थिन प्लेन शीट के केस में आर कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है इट इज नॉट डिपेंड अपॉन आर। ये लिखना बहुत जरूरी है पेपर में, बता देना कि इस केस में ई का आर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये कर लिया हमने डेरिवेशन, क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या किया हमने, थिन शीट ऑफ पेपर ली, थिन शीट ऑफ पेपर कैसे है ऐसे है, ठीक है। अब 3D में तो हम बना नहीं सकते बोर्ड पे या कॉपी में, तो क्या करते हैं इसको ऐसे हमने लिटा दिया, इस पे चार्ज दिखा दिया, फिर हमने क्या किया चार्ज कहाँ था ओपन में पड़ा था, क्या करना पड़ा गॉसियन सरफेस बनानी पड़ी, क्या किया हमने सिलेंडर बना दिया इसमें से पास करता हुआ, फिर क्या किया सिलेंडर था तो इसकी क्या होती है तीन सरफेसेस होती है, तीन सरफेसेस का मतलब क्या हुआ तीन एरिया वेक्टर और तीन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और क्या होगा तीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगी। तो इस केस में, इस केस में और इस केस में हमने क्या किया फ्लक्स कैलकुलेट की और उसके बाद टोटल फ्लक्स निकाली जो कितनी आई 2 × E × AI, ए यहाँ ए ही लिखा है, आप चाहो तो पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा क्योंकि ए बाद में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा सिग्मा से, ठीक है, मतलब क्यू बाय ए सब्स्टिट्यूट हो जाएगा सिग्मा से, तो ए का इसमें कुछ खास रोल नहीं है, तो ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो आपकी खुद की मर्जी है। उसके बाद क्या किया गॉस थ्योरम अप्लाई की, गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो टोटल फ्लक्स है वो क्या होता है Q1/ε0 × टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, तो 2 × E × A निकाला हुआ था टोटल फ्लक्स, यहाँ उठा के रखा ये एक्सप्रेशन यहाँ रखा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया Q/A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल, और फिर हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये निकल कर आ गया। इससे हमें क्या पता लगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आर पे डिपेंड नहीं
नहीं कर रही, मतलब वो डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं कर रही है, वो सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है और परमिटिविटी पर डिपेंड कर रही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, किस पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इसमें कंसेप्ट बस ये याद रखना कि ये ऐसे पड़ी हुई है, क्योंकि अगर ऐसे रखोगे तो इसमें से सिलेंडर कैसे जाएगा आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये बनाया है। और क्लियर करने के लिए कि इसमें से कैसे पास हो रहा है ये सिलेंडर, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसे अच्छे से कर लेना। अगर कोई डाउट रह जाए इस डेरिवेशन में तो नीचे कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।